हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होगा क्योंकि हम जानेंगे टाटा के ऐसे दो शेयर्स के बारे में जो चर्चा का विषय बने हुए हैं और जो आपको दे सकते हैं भविष्य में मल्टीबैगर रिटर्न। टाटाज हमेशा जहां ओनेस्टी का नाम आता है, जहां एक भरोसे का नाम आता है, हमेशा वहां टाटाज का नाम आता है। तो अगर टाटा के बिजनेस से आप जुड़ना चाहते हैं, टाटा में अगर आप निवेश करना चाहते हैं, तो इन दो शेयर्स को आप अपने पोर्टफोलियो में सही समय पर शामिल कर सकते हैं क्योंकि ये भविष्य में दे सकते हैं आपको मल्टीबैगर रिटर्न। और कि ये ट्रेड कर रहे हैं काफी अच्छे लेवल पर। जो भी स्टॉक है, अगर वो मेटल सेक्टर को, पावर सेक्टर को या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर को बिलोंग करता है, तो वो अपने निवेशकों को रातों रात मालामाल बना रहे हैं, वो दे रहे हैं मल्टीबैगर रिटर्न। तो हम जानेंगे ऐसे ही दो स्टॉक्स के बारे में जो भविष्य में मल्टीबैगर साबित हो सकते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने नियर एंड डियर वन से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो किसी भी तरह की बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से वीडियो है ताकि आपको आपके पर्सनल फाइनेंसेस में हेल्प मिले। और अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को, किसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट को जरूर कंसल्ट करें या फिर प्रॉपर रिसर्च कर ही स्टॉक मार्केट में निवेश करें क्योंकि स्टॉक मार्केट हाईली रिस्की कंसिडर की जाती है। तो पहला हमारा स्टॉक है टाटा स्टील लिमिटेड। ये ट्रेड कर रहा है 142 के लेवल पर। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,74,069 करोड़ रुपी। स्टॉक का पी 90 है, इंडस्ट्री का पी 17.6 है। कंपैरेटिवली काफी ओवरवैल्यूड स्टॉक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 12.6 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 7.28% है। डिविडेंड पे आउट कंपनी काफी अच्छा करती है, 50.2% का डिविडेंड पे आउट है। तो ये डिविडेंड पेइंग कंपनी है, फेस वैल्यू 1 रुपी की है। डेट टू इक्विटी 1.01 है, लिटिल बिट हायर, स्लाइटली हायर। तो अगर आप देखें तो 52 वीक्स में लोएस्ट इसने हिट किया 102 और हाईएस्ट ये गया 143 पर। तो काफी अच्छा इसकी परफॉर्मेंस रही है पिछले एक साल में। टाटा स्टील को जैसे कि हम हमेशा जानते हैं, ये एशिया की फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्राइवेट स्टील कंपनी है जो कि 1907 में सेटअप हुई थी। तो बेसिकली टाटा स्टील स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि माइनिंग से और प्रोसेसिंग ऑफ आयरन ओर एंड कोल से प्रोड्यूस करती है फिनिश्ड। तो आइए जान लेते हैं अब इस स्टॉक की परफॉर्मेंस को भी। तो अगर वन डे की बात करें तो ये स्टॉक जो है वन डे में भी इसने 2% का आज का रिटर्न इसका रहा। अगर फाइव डेज की रिटर्न की बात करें तो ये 136 पर ट्रेड कर रहा था वन वीक पहले और ऑलमोस्ट 4% के आसपास का आप कह सकते हैं रिटर्न बनाया। वन मंथ पहले ये 132 पर ट्रेड कर रहा था और इसने 7.27% के आसपास का रिटर्न बनाया वन मंथ में। सिक्स मंथ के रिटर्न की बात करें तो 118 के लेवल से ये आ गए 19% का इस स्टॉक ने रिटर्न बनाया है। वन ईयर की बात करें तो देखिए वन ईयर पर भी ये कॉन्टिन्यूसली थोड़ा सा वॉलेटाइल स्टॉक है बट कॉन्टिन्यूसली अपवर्ड मूवमेंट है इसमें। ये हमारा स्टॉक जो है हायर टू हायर और लोअर टू हायर वाली स्ट्रेटेजी में, पैटर्न में ये मूव कर रहा है। ये स्टॉक अपना एक न्यू हाई बनाता है, इस हाई से फिर नेक्स्ट हाई की तरफ जाता है और लोअर से ये अपने हायर की तरफ जाता है। तो ये ऑलमोस्ट 1, 2, 3, 4 और 5 हाईज लगा चुका है इस बीच में और अभी अपने किसी नेक्स्ट हाई को, यहाँ से इसने सपोर्ट लेवल लिया हुआ है। अगर आप देखें तो थोड़ी सी गिरावट इसमें देखी गई थी, 1 जन को ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था 139 पर, यहाँ से इसमें थोड़ी सी गिरावट, मामूली गिरावट देखी गई, आप कहें तो 7% के आसपास की। उसके बाद इसने यहाँ पर सपोर्ट लेवल, आप इसको कह सकते हैं इसने ये अपना सपोर्ट लेवल लिया हुआ है और यहाँ से इसने ये अब अपने किसी न्यू हाई तरफ जा सकता है। 5 ईयर्स के रिटर्न की बात करें तो स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 5 ईयर्स में भी आप देखिए, पहले ये स्टॉक कॉन्टिन्यूसली इसी पैटर्न में मूव करता है, लोअर टू हायर देन हायर टू अ न्यू हाई। तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट काफी अच्छे लेवल पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ से ये दे सकता है आपको मल्टीबैगर रिटर्न। तो नेक्स्ट हमारा स्टॉक है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 394 रुपी के आसपास। मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,25,913 करोड़ रुपी का। इंडस्ट्री का पी 26.7% है, स्टॉक का पी 6.9% है। लिटिल बिट ओवरवैल्यूड स्टॉक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11.7% है, रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छा है 12.6%, अर्निंग पर शेयर 11.2% है, प्रॉफिट ग्रोथ भी काफी अच्छी है, डिविडेंड पे आउट कंपैरेटिवली इस स्टॉक में कम है। लो ये था 182 पर और हाईएस्ट इसने हिट किया है 402 पर, मोर ऑर लेस ये अपने हायर के आसपास ही चल रहा है। इसके अलावा टाटा पावर के बारे में हम सभी जानते हैं, टाटा पावर का बिजनेस जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन
कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का है, ये एक पावर सेक्टर कंपनी है। और अगर इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो वन डे का रिटर्न देखिए तो आज ये 1.24% अप था, 5 डेज की वीकली रिटर्न की बात की जाए तो ऑलमोस्ट इस स्टॉक ने 4% का रिटर्न दिया। उसके बाद इसमें मामूली सी गिरावट देखी गई और यहाँ से ये स्टॉक अब अबव मूव कर रहा है, तो ये जल्दी आपको दे सकता है एक शानदार रिटर्न। मंथली रिटर्न भी अगर आप देखें तो 338 के लेवल से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 16% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर बना चुका है। 6 मंथ्स की बात करें तो देखिए ये स्टॉक कॉन्टिन्यूसली अपवर्ड स्विंग में है, ये स्टॉक यहाँ तक देखिए स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ज्यादा वेरिएशन इस स्टॉक में नहीं है, एक ही लेवल पर ये मूव कर रहा है और यहाँ से इस स्टॉक ने तेजी पकड़ी। 3234 के लेवल से ये स्टॉक अब पहुंच चुका है, ऑलमोस्ट 68% का रिटर्न ये यहाँ से बना चुका है। तो काफी अच्छा इसकी परफॉर्मेंस रही पिछले 6 मंथ्स की। 1 ईयर की बात करें तो ये देखिए यहाँ से ये काफी दिन कंसोलिडेशन में रहा स्टॉक और कंसोलिडेशन के बाद इसने ऑलमोस्ट 80% का रिटर्न यहाँ पर बनाया है, तो काफी अच्छा इसकी परफॉर्मेंस रही, ऑलमोस्ट 89% का रिटर्न इसने बीते एक साल में बनाया है। अगर इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसने 3769% का रिटर्न ऑल टाइम बनाया है, तो काफी अच्छी स्टॉक की परफॉर्मेंस रही। अगर हम देखें कोविड टाइम में इसमें थोड़ी गिरावट देखी गई थी कोविड के बाद, बट इसने काफी अच्छा रिकवर किया और ये देखिए इसने कितनी शानदार इसकी परफॉर्मेंस रही, ऑलमोस्ट 979% का रिटर्न इस बीच में इसने बनाया है, तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस है। अगर आप थ्रू आउट इस पीरियड देखें तो स्टॉक जो है कॉन्टिन्यूसली अपवर्ड स्विंग में है और ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है। तो इन स्टॉक्स के बारे में आपकी क्या राय है, आपके पोर्टफोलियो में क्या टाटा पावर और टाटा स्टील को आप होल्ड करते हैं या नहीं, और आज का वीडियो आपका कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज प्रेस दी बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मल्टीकैप वेल्थ।